What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज है 8 सितंबर. आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में. यानी कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर आज के डेट में लिटरेट है तो देखिए वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा, ये तो आप लोगों की समझ में आता है. तो इन्हीं चीजों को अवेयरनेस को फैलाने के लिए, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा साक्षर हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर और ज्यादा चीजों को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये है यूनेस्को के द्वारा 14th सेशन जो उसका हुआ था, उसने जनरल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर इसको अडेप्ट किया था और फर्स्ट टाइम इसको 1967 में यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया था. यही है कि किस तरीके से हर एक इंडिविजुअल कम्युनिटी या फिर सोसाइटी को हम लोग एक एक साक्षर, जो अब जो साक्षर आप लोग सोसाइटी बोल सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझा सकते हैं. यानी कि जितना ज्यादा अच्छे लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा. मैंने आप लोगों को इकोनॉमी वाले लेक्चर में बताया था कि अगर ह्यूमन को आप लोगों को ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों को उसको एजुकेशन देनी पड़ेगी, फिर आप लोगों को उसको हेल्थ देनी पड़ेगी और जब जाकर वो इंप्लॉयमेंट कर पाएगा. और जब कोई इंप्लॉयमेंट कर पाता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या होगा, वो अपनी कंट्री को भी फायदा पहुंचाता है. तो अगर आप लोग चाहते हैं किसी कंट्री को डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना, तो सबसे पहले आप लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी, यानी कि एक एजुकेटेड लोग बनाने पड़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल आप लोगों को बनानी पड़ेगी. तो यही बात यहां पर बोली गई है घुमा फिरा के. कि एक बात भी और आप लोगों को यहां पर मान सकते हैं, देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि एक सोसाइटी अच्छी सोसाइटी हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को उस सोसाइटी को एजुकेटेड सोसाइटी बनाना पड़ेगा. क्योंकि अगर गवर्नमेंट भी कोई स्कीम लेके आती है यहां पर, तो वो भी तभी फायदेमंद है जब यहां पर वहां के लोग जो है उसको समझ पाए स्कीम को और वहां पर पार्टिसिपेट कर पाए. तो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट तभी लोगों का हो पाएगा जब वो एजुकेट हो, तभी वो अपने राइट को समझ पाएंगे. आप लोग संविधान को उठा लीजिए, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है. अगर लोग को पता ही नहीं है उन फंडामेंटल राइट के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो उनका फायदा कैसे उठा पाएंगे? कोई ना कोई आकर उनको सप्रेस करता रहेगा. अगर उनको पता है तो अपने राइट का यूज कर पाएंगे. वो कब होगा? जब इंसान जो है पढ़ा लिखा होगा. तो इसीलिए बोला जाता है कि पढ़ाई लिखाई काफी जरूरी है. कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि अपने बारे में जान सके, क्या हमारे राइट्स हैं उनको समझ सके, क्या हमारे लिए किया जा रहा है, क्या हां हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें आसपास के एनवायरमेंट को समझ सके. तो इसके लिए जरूरी है बहुत ज्यादा यहां पर एजुकेशन. तो इसी के अवेयरनेस के लिए यहां पर 8 सितंबर यानी कि आज का दिन इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. तो आज है 8 सितंबर, देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है अपनी नैनो मैगजीन के तहत. पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, न्यूज़पेपर के अलग अलग आर्टिकल का भी शानदार डिस्कशन हमारा रहने वाला है. तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के साथ में. सबसे पहले जो न्यूज निकल कर आ रही है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी विजिट पर हैं जर्मनी की फ्रैंकफर्ट में. आप लोगों को देखने को मिले यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट अभी विजिट पर थे 3 कंट्री की. अब वाइस प्रेसिडेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं. प्रेसिडेंट अभी रिटर्न नहीं आए, अभी हैं वहीं पर, उनके बारे में भी आगे जानेंगे. तो इस तरीके से जो डिग्नेटरी है, हाईएस्ट जो पोस्ट है, अगर किसी कंट्री की विजिट पर जाती है तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को उसके बारे में होना चाहिए. जर्मनी की आप लोगों को देखने को मिल गया, एक यूरोपियन कंट्री है. आप लोग अगर बात करें यहाँ पर करेंसी की, आप लोग अगर बात करें करेंसी की तो यूरो आप लोग यहां पर यूज करते हुए पाएंगे. और अगर कैपिटल की बात करें तो वह है बर्लिन. ठीक है, बर्लिन वॉल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. तो कुछ बातें आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं. नेक्स्ट जो बात निकल कर आ रही है, ये है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी. ये अब आप लोगों को चेक रिपब्लिक में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर एक तरीके से शानदार तरीके से यहाँ पर देखिए इनका स्वागत भी यहाँ पर किया गया. और 5 तरीके के एग्रीमेंट यहाँ पर अलग अलग फील्ड में दोनों कंट्री के द्वारा साइन किए गए. एम्फेसिस जो है यहाँ पर मैक्सिमम है आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफेंस पे और किस तरीके से हम लोग टेक यानी कि टेक्नोलॉजी में रिलेशन हम लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ में बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं. तो ये लास्ट डे की इनकी विजिट है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखते हैं जापान में जो जेबी जो टाइफून के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, काफी खतरनाक यहाँ पर तबाही मचा रहा है. तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे. ये देखिए क्या खतरनाक लेवल की यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बर्बाद कर दी गई हैं. बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं कि बिल्कुल जहाँ पर इस तरह की कंडीशन, केरला में आप लोग देख लीजिए, वहाँ पर नॉर्मल आप लोगों को बाढ़ देखने को मिली तो वहाँ पर क्या कंडीशन हो गई. और यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब गाड़ियाँ तक भी यहाँ पर उड़ा दी गई एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही थी जब मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई थी. तो खतरनाक लेवल की सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों के सामने है. नॉर्थ कोरिया ने काफी अच्छा स्टेप उठाया, तो मतलब बोला गया है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप का ये टर्म जो है वो खत्म होगा उससे पहले ही यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि अपनी कंट्री को डीन्यूक्लियराइज कर लिया जाए, यानी कि जो भी न्यूक्लियर वेपन इनके पास में है उसको खत्म किया जाए. और इससे डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश हैं. तो एक तरीके से चाचा भतीजे काफी खुश आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे. और काफी अच्छी बात बोली गई एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं ये बोला गया है. तो देखिए क्या करते हैं आगे, जो बोला गया है क्या उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो ये हम लोग को आगे देखने को मिलेगा.
नेक्स्ट जो बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया कि एग्जेम्प्ट किया जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल जो कि यहाँ पर अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर रन करते हैं, उनको परमिट रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्रीन नंबर प्लेट ये क्या होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा कौन कौन सी प्लेट, कौन कौन सा व्हीकल, कौन कौन सी प्लेट यूज करता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो व्हीकल है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली कैसी प्लेट, यहाँ पर ग्रीन प्लेट यूज की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक व्हीकल में कौन कौन सी प्लेट यूज की जा रही है, प्रेसिडेंट कौन सी, वाइस प्रेसिडेंट कौन सी, मिलिट्री में कौन सी, हमारी कंट्री में जो फॉरेन एम्बेसडर होता है वो कौन सी यूज करता है, तो ये तमाम आप बातें आप लोग यहां पर जाकर देख सकते हैं। आप लोग बताइए फॉरेन जो एम्बेसडर होता है यहां पर वो किस रंग की प्लेट यूज करता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो जाकर देखते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी अभी रिसेंटली। ओके, तो याद रखते हैं आप लोग इसके बारे में। आंसर आप लोग काफी शानदार तरीके से दे रहे हैं, दिल खुश हो जाता है आंसर आप लोग के पढ़ के। तो आज जो है चार पर्सन है जिनके मैंने नाम उठाए, बाकी सबने आप लोगों ने आंसर काफी अच्छे से दिए हैं। यहाँ पर ये हैं योगराज सैनी, दूसरे हैं प्रवीण कुमार, तीसरे हैं यहाँ पर अंकिता भगत और चौथे यहाँ पर पुनीत दत्त, जिनके मैंने यहाँ पर नाम उठाए। आपका भी नाम यहाँ पर आ सकता है, रेगुलर आप लोग आंसर करते रहिए अच्छे से। तो बात की जा रही थी यहाँ पर WHO के बारे में, हेडक्वार्टर पूछा था मैंने, यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। राज्यवर्धन सिंह राठौर को आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आज के डेट में हमारे मिनिस्टर भी हैं यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर दो मेडल जीते, एक तो आप लोगों को कॉमनवेल्थ गेम इनको देखने को मिलेगा, गोल्ड जीता इन्होंने 2006 में और सिल्वर मेडल जीता इन्होंने ओलंपिक जो 2004 में एथेंस में हुए थे, तो यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। RTI राइट, जो यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये 15 जून को पास किया गया था और जो इम्प्लीमेंट किया गया था, जो फोर्स में आया था यहाँ पर 12 अक्टूबर 2005 में ये फोर्स में आया था। अजीत नाथ रे बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 25 अप्रैल 1973 में, जो कि सुपरसीड किया था इन्होंने तीन चीफ जस्टिस को। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, A.N. Ray के नाम से भी आप लोग इनको पुकारते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर टाइफून जो यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर इंडिया के एरिया में उसको साइक्लोन बोलते हैं और हरिकेन बुलाया जाता है इसको मैक्सिको वाले एरिया में। इसके अलावा मैंने आप लोगों को चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में पूछा था, तो ये राधा कृष्णा माथुर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये नीचे रिपीट हो गया, इसको याद नहीं रखना, ये वही है ऊपर वाला। तो यहाँ पर इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनको रिप्लेस किया गया था, यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एक तो ये बताना है, और कौन से एरिया से ये बिलोंग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम उस एरिया से कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज वाला अपना सेक्शन देखते हैं, यहाँ पर क्या बातें निकल कर आ रही है। जो फर्स्ट यहां पर न्यूज है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है होमोसेक्सुअलिटी को। तो होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी कि जो LGBT कम्युनिटी है यहां पर अब वो क्या है, अपने तरीके से अपनी लाइफ को जी सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये बातें की गई है। और देखिए, जैसे ही मैंने इसके ऊपर कल वीडियो बनाई थी, काफी बच्चों ने यहां पर कमेंट किया कि सर आपने अपना व्यू तो इसके बारे में बताया नहीं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपना व्यूज भी बता देता हूं ताकि आप लोग को भी पता रहे कि हाँ क्या चीजें, थोड़ा सा मतलब आप लोग उसके साथ में कंपेयर कर सके। बाकी सारी बातें डिटेल में मैंने डिस्कस की है, सेक्शन 377 क्या है, कहां से निकल के आया और बाकी इस केस का पूरा हिस्ट्री से लेकर मैंने आप लोग को आगे तक समझाया, तमाम बातें आप लोग को देखने को मिलेंगी यहां पर। और टोटली यहां पर हमारी कंट्री का जो ये लॉ है, ये यूनिक जो यहां पर ये लॉ नहीं सॉरी जो कोर्ट का डिसीजन है, ये यूनिक किस लिए है, वही बातें मैंने बताई। तो टोटल जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए, अगर बात की जाए नेचुरल अगर कोई पर्सन है, जिससे आप तरीके से आप लोग देखते हैं किन्नर समाज है, ठीक है, तो इस तरीके से उनकी कोई गलती नहीं है उसमें, तो अलाउ करना यहां पर सही है। पर लेकिन इसका हमारी सोसाइटी पे कितना इंपैक्ट पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। यानी कि प्राइवेट में कोई क्या काम करता है उसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वहां पर वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वहां पर उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर लेकिन ये चीजें अगर पब्लिकली अगर यहां पर ज्यादा उल्टी सीधी चीजें अगर सड़कों पर होने लगी तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। ठीक है, यानी कि ये जो चीजें हैं ये प्राइवेट तक ही लिमिट रहनी चाहिए, क्योंकि एक कल्चर है हमारी, एक सभ्यता है, तो वहां पर इंपैक्ट नहीं डालना चाहिए। क्रिमिनलाइजेशन की एक्टिविटी में तो इनको नहीं रखना चाहिए, खैर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो सही है, पर लेकिन अब जो चीजें हैं प्राइवेट में ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पब्लिक में चीजें हो रही है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो पोर्न मूवीज हैं उनको बैन कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चों पर इंपैक्ट ना डाले, क्योंकि सोसाइटी पर उसका इंपैक्ट गलत ना पड़े। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, तो एक अच्छी सोसाइटी बनाए रखने के लिए ये चीजें जरूरी है कि जो पब्लिक चीज जो पब्लिक में चीजें होनी चाहिए वो पब्लिक में रहनी चाहिए और जो प्राइवेट में होनी चाहिए वो प्राइवेट में रहनी चाहिए। बाकी यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सही आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और बाकी सबके अपने अपने परसेप्शन है, बस ये है कि चीजें पब्लिक में ना हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, यानी कि जिसको प्राइवेट में जो चीजें हैं उसकी प्राइवेट में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा यहां पर खुद का परसेप्शन है।
तो बाकी आप लोग भी समझदार हैं। देखिए अगर आप लोगों को आंसर देना है कहीं पर, ये भी बात बता देता हूँ, तो आप लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही फेवर करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग इसके अपोज में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वहां पर अपना जो खुद का परसेप्शन है आप लोगों को वो नहीं लगाना है, सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर डिसीजन है उसको लगा के आप लोगों को हमेशा उसी को फेवर करना है, ठीक है। तो ये याद आप लोग जरूर रखिएगा चीजें, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसके बारे में तमाम बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जाकर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आ रही है यहाँ पर निकल कर आ रही है, मोबिलाइज यूएस सिटी। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है मोबिलाइज यूएस सिटी के तहत। यहाँ पर बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, न्यू दिल्ली में अभी सपोर्ट किया गया है कि इंडिया की जो सिटी है नागपुर, कोच्चि और अहमदाबाद, तो ये तीन सिटी है यहाँ पर, इनमें कुछ ऐसा काम किया जाएगा ताकि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस है उसको रिड्यूस किया जा सके, यानी कि जो सिटीज है उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके और अच्छे लेवल पर वहां पर काम किया जा सके, ताकि जो सिटीज है वो एक अच्छे लेवल पर आगे बढ़ सके, वो भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ईंधन के साथ में कुछ भी ऐसा किया जाए, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, कि यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21st हुई थी, या जिसको आप लोग यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी दिसंबर 2015 में फ्रांस में, यानी कि उस टाइम पर बात की गई थी किस तरीके से हम लोग ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रांस के द्वारा, जर्मनी के द्वारा ये सारे इनिशिएटिव इंडिया में ये सपोर्ट किए जाते हैं। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए जर्मनी एक इतनी शानदार कंट्री है, अगर आप लोग देखेंगे सोलर पैनल के हिसाब से, यानी कि सोलर एनर्जी के हिसाब से वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से सोलर एनर्जी को आज के डेट में यूज किया जा रहा है, तो उससे इंडिया काफी कुछ सीखकर आगे भी बढ़ रहा है। तो ये चीजें हम लोग अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रपोज किया गया 2015 में यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर किस तरीके से 3.5 मिलियन यहाँ पर जो फ्रांस की डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा किस तरीके से यहाँ पर जो फ्रेंच डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर फंड प्रोवाइड कराया जाएगा और मोबिलाइज कराया जाएगा सिटीज के लिए यहाँ पर, कि हमारी सिटीज को ढंग से डेवलप किया जा सके, यानी कि सपोर्ट किया जा रहा है हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन यहाँ पर इंडिया और फ्रांस ने एमओयू साइन किया है कि किस तरीके से जो वर्किंग है यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जा सकता है इसरो के द्वारा, तो काफी वो इसरो के द्वारा जो किया जाएगा यहाँ पर, तो फ्रांस के द्वारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से, और वर्किंग कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा किस तरीके से वर्क कर सकते हैं दोनों साथ मिलकर। ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 72 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था उसकी स्पीच पर यहाँ पर अनाउंस किया गया था कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग अपने जो सिटीजन है उनको स्पेस में भेज पाएंगे। और जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है उसने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगे 6th यहाँ पर बेंगलुरु स्पेस एक्सपो, तो यहाँ पर ये बात डिसाइड की गई है फ्रांस की स्पेस एजेंसी के द्वारा। और यहाँ पर जेन वाई एल गेल जो यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट है फ्रांस की स्पेस एजेंसी के, इनके द्वारा यहाँ पर ये एडमिट किया गया है। तो देखते हैं कि कब तक ये काम कंप्लीट कर पाते हैं और साथ में मिलकर किस तरीके शानदार तरीके से मिशन को सक्सेसफुल कर पाते हैं, तो ये आगे देखने को मिलेगा। फर्स्ट इस तरीके का मिशन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा इंडिया में फर्स्ट इस तरीके का मिशन आप लोगों को ये नजर आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा देखने को मिलेगा। मार्स का एक्सपीरियंस हमारा काफी अच्छा रहा था, चंद्रयान का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा है हमारा अब तक का, तो देखते हैं अब यहाँ पर गगनयान का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि फ्रांस फर्स्ट कंट्री ऐसी निकल कर आई है जो वर्किंग हमारे साथ में एमओयू साइन किया गया गगनयान के लिए स्पेस मिशन के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में। आप लोगों को पता है अरविंद सुब्रमण्यम हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, पर लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया अपने पोस्ट से, तो उसी के बाद में यहाँ पर उसको चूज करने की बात की जा रही है कौन होना चाहिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो फॉर्मर गवर्नर यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिनका नाम है यहाँ पर बिमल जालान, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एक कमेटी भी सेटअप की गई थी, काफी अच्छी रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी गई थी बैंकिंग सिस्टम में सुधार करने के लिए। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा बिमल जालान की अध्यक्षता में एक कमेटी यहाँ पर अभी बनाई गई है, जो कि यहाँ पर नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन होना चाहिए उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेगी। ये यहाँ पर पैनल आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके साथ में दो अदर मेंबर भी यहाँ पर है, ये सी चंद्रमौली, और इनके साथ में यहाँ पर कौन है, ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ये सुभाष चंद्र गर्ग। तो ये दो मिलकर यहाँ पर अभी ये दो इनके साथ में और तीसरे ये मिलकर यहाँ पर अभी काम करेंगे। जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव इनके द्वारा किए जाएंगे, यानी कि जो भी फॉर्म रिसीव किए जाएंगे उनके साथ में ये इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन पर्सन यहाँ पर इसके लिए सुटेबल है। ठीक है, तो पहले कौन थे यहाँ पर, ये थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कौन थे यहाँ पर, ये थे अरविंद सुब्रमण्यम। तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। कमिटी का नाम पूछा जा सकता है कि इसके चीफ कौन है, जो कि यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चूज करने की बात करें तो फॉर्मर रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे ये थे बिमल जालान, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी यहाँ पर सेटअप की गई है। नेक्स्ट नजर डालते हैं जो स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज है उसके ऊपर। तो जो यहाँ पर बात निकल के आ रही है केरला में फ्लड आप लोगों को देखने को मिली, तो जो हमारी कंट्री के आज के में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन जी है, उन्होंने यहाँ पर अभी 51 लाख रुपए का जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसे सोलर पावर एलईडी है, बल्ब वगैरह, फैन वगैरह, या फिर मोबाइल चार्जर, रेडियो सेट, ये सब प्रोवाइड कराने की बात की गई है। और जो ये रिलीफ फंड है ये सेलिब्रेट किया, ये सपोर्ट किया गया यहाँ पर इंटरनेशनल, ये है इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन IVF के द्वारा यहाँ पर इसको सपोर्ट किया गया, और ये सपोर्ट किया गया है कि ये अभी इनिशियल फंड है, यानी कि आने वाले टाइम पे
और भी अच्छे लेवल पर आप लोगों को फंड देखने को मिलेगा अभी यहाँ पर, और भी अच्छे लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा केरला की जो गवर्नमेंट है और केरला के जो लोग हैं यहाँ पर। ये इनिशियल है अभी जो कि स्टार्ट किया गया, अभी इस तरीके से सपोर्ट की जा रही है अलग अलग पार्ट में कंट्री के द्वारा और अलग अलग इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा यहाँ पर ऐसे सपोर्ट किया जा रहा है। और अगर आप लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं यहाँ पर IVF के बारे में, तो जो यहाँ पर ये जो यहाँ पर IVF है, यहाँ पर इंटरनेशनल वेश्य ये फेडरेशन जो है यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, ये सोसाइटी की जो वेश्य कम्युनिटी है उसके द्वारा फाउंड की गई थी 2013 में, किस तरीके से हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, उड़ीसा में काउंसिल को पास करने के लिए यहाँ पर काम हो गया, पूरा असेंबली ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि यहाँ पर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर पास करती है, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल लेक्चर भी लिया था, बताया था उस टाइम पर, आप लोग ये बताइए लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पर अगर यहाँ पर पास होने के बाद में अगर यहाँ पर ये बना पाती है तो उड़ीसा कौन से नंबर का स्टेट होगा हमारी कंट्री में जिसमें आप लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, काफी चीजें इसके बारे में डिस्कस की जा चुकी हैं और बाकी ये कौन कौन से स्टेट हैं वो सारी बातें आप लोग देख चुके हैं। आप लोगों को ये बताना है उड़ीसा कौन से नंबर का यहाँ पर स्टेट होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बातें बतानी है, आसपास के एरिया को कौन कौन सा स्टेट टच करता है ये भी आप लोगों को बताना है उड़ीसा को, ठीक है। उड़ीसा को आप लोग अच्छे से निहार लीजिएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसी भी रीजन से कोई स्टेट यहाँ पर न्यूज में होता है तो उसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है। आगे चलते हैं, आगे नजर डालते हैं डिफेंस न्यूज के ऊपर। जो फर्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है तो काफी आप लोग जान ही चुके होंगे, अब तक बात की जा रही है यहाँ पर कोम कासा के बारे में। कोम कासा इतना ज्यादा न्यूज में, आप लोगों इसका याद रखना ही रखना है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा साइन किया गया, फुल फॉर्म जरूर याद रखेगा, कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको कोम कासा बोला गया है। हमारी कंट्री में अभी 2+2 डायलॉग हुआ न्यू दिल्ली में, जिसमें मैंने क्वेश्चन वाली वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। और हाँ, क्वेश्चन की वीडियो आप लोग कल लेट हो गई थी थोड़ी, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिला कि जो आप लोग की ये जो यहाँ पर अभी जो सेक्शन 377 वाली वीडियो थी वो आई, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो आप लोग उसको देख सकते हैं क्वेश्चन वाली वीडियो को, तो हम लोगों ने उसमें डिस्कस भी किया था ये सारी बातें, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में दोनों कंट्री डिफेंस के फील्ड में किस तरीके से आगे एग्रीमेंट कर सकती है, एक शानदार तरीके से एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ सकती है, काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, एक दूसरे सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू और खासकर टेररिस्ट एक्टिविटी पर काफी फोकस दिया जा रहा है ताकि उनको रोका जा सके। तो कंट्री का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, किस टाइम सेलिब्रेट किया गया, ये साइन किया गया, ये पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा मूवमेंट था वहां पर, कौन सा स्पेशल अरेंजमेंट थी, जैसे कि 2+2 डायलॉग हुआ उस टाइम पर यहां पर साइन किया गया है, काफी लंबे समय से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है ये है यहाँ पर इस प्लेयर के बारे में, आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कुछ डिफरेंट अगर होता है तो उनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अब इनके बारे में जानते हैं, आखिर डिफरेंट ऐसा क्यों हो गया, क्यों इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा रिवॉर्ड दिया गया यहाँ पर गोविंद लक्ष्मणन, तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ये एक एथलीट है जिनको 10 लाख रुपए का अलग से अभी राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा यहाँ पर इनको अभी प्रमाणित किया गया है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर की रेस में ये अभी डिस्क्वालीफाई हो गए थे, क्योंकि मूवमेंटली ये अपना जो ट्रैक था उससे हट गए थे। आखिर रीजन क्या था, रीजन ये था कि दूसरे प्लेयर के स्पाइक के द्वारा जो जूते पहने जाते हैं इनको हिट किया गया और इसकी वजह से ये अपने ट्रैक से थोड़ा हट गए थे और उसी की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी कि कोई रीजन था जिसकी वजह से हटे थे और जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इनको। हालांकि इन्होंने वहां पर कई बार वहां पर एक तरीके से जो हमारे जो प्लेयर थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, पर लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। यानी कहने का मतलब ये था, आप लोग समझ सकते हैं, अगर कोई 10 किलोमीटर की रेस के लिए तैयारी कर रहा है और किसी ऐसे रीजन की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है जिसमें उसने कोई गलती नहीं की है, तो फिर समझ सकते हैं कि प्लेयर के माइंड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो उस इंपैक्ट को कम करने के लिए यहाँ पर जो स्पोर्ट मिनिस्टर है उनके द्वारा यहाँ पर इनको 10 लाख रुपए दिए गए ताकि अपनी जो प्रैक्टिस है वो उसको कंटिन्यू रख सकें और आगे आने वाले टाइम में इंडिया को मेडल दे सकें। तो ये इसीलिए यहाँ पर इनको 10 लाख रुपए से नवाजा गया है। और देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अगर कोई प्लेयर है तो देखिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो निकल के आएगा वो तभी निकल के आएगा अगर उसके उसके पास में कुछ पैसा होगा खाने पीने के लिए, कम से कम अपनी तैयारी करने के लिए, स्पोर्ट की फैसिलिटी को अच्छे से कर पाएगा जो यहाँ पर होनी चाहिए, वो तमाम बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके कमेंट लिखते हैं जो मैं पढ़ रहा था कि सर स्पोर्ट की न्यूज़ तो UPSC में पूछी नहीं जाती है, आप लोग किसने बोल दिया। प्रीलिम्स में आप लोग जाकर देखेंगे कई बार स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा चीजों को देखकर चलिए, आज के डेट में इतना अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पर जो पैटर्न हो चुका है कि आप लोगों को कैसे भी क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग UPSC की तैयारी करें तो वहां पर स्पोर्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और SSC और बैंकिंग में तो आराम से पूछे जाते हैं, UPSC में भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये माइंड से आप लोग निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें मेंस की तो वहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी कि जिस तरीके से आप लोग देखते हैं सट्टेबाजी को लीगलाइज करने की बात की जा रही है तो उसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, पर लेकिन प्रीलिम्स में आप लोगों को नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये माइंड से इस तरीके की बातें निकाल दीजिए, फालतू की बातें, तो आप लोगों को हर एक सेक्शन को अच्छे से तैयार करना है, चाहे वो कोई सा भी सेक्शन क्यों ना हो।
नेक्स्ट जो आप लोगों का जो पॉलिटिकल रिवीजन का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है लेक्चर यहाँ पर है 80वां। यहाँ पर आप लोगों को देखना है कमीशन और बॉडी कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये यहाँ पर डिस्कस किया डिटेल में। कई बार ऐसी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन किसके अंडर में आते हैं, या फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा यहाँ पर अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा सेंट्रल कमीशन फॉर डिसेबल पर्सन किसके अंडर में आते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किसके अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री के नाम पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री और किसके अंडर में वो आता है, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो जाकर लेक्चर को देख सकते हैं, दो लेक्चर ऑलरेडी बता चुका हूं, यह तीसरा लेक्चर जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं यहां पर वन लाइनर के ऊपर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया अभी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यह है मुख्यमंत्री युवा निस्तम, ठीक है। तो यहां पर ₹1,000 पर मंथ यहां पर अनएम्प्लॉय यूथ को प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि वो कुछ देखरेख अपनी कर सके। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर 2018 इंडिपेंडेंस डे के रूप में आप लोगों को देखने को मिला यहां पर शहीद समन दिवस सेलिब्रेट किया गया। तो डायरेक्ट यहां पर पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने यह स्टार्ट किया। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर यूनिफाइड कमांडर कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिली न्यू दिल्ली में, जो कि रिव्यू किया गया यहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारी कंट्री के सामने और किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सेकंड एंड द फाइनल ड्राफ्ट जो यहां पर नेशनल जो यहां पर आसाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का जो निकल कर आया, जिसमें लगभग 2,89,83,677 सिटीजन को यहां पर जो यहां पर सिटीजनशिप का दर्जा दिया गया ये देखने को मिला, और लगभग 40 लाख लोग ऐसे थे जिनको यहां पर दर्जा नहीं दिया गया। तो काफी न्यूज में था, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से डायरेक्ट कौन कितनों को दिया गया और कितनों को नहीं दिया गया। तो यहां पर ये आप लोग याद रखते हैं 2,89,00,000, कम से कम ये डिजिट आप लोग जरूर याद रखेगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया आई हब, जिसको इंटेलिजेंट हब बोला गया यहाँ पर, इसके बारे में याद रखेगा। ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड का यहाँ पर ये सिस्टम स्टार्ट किया गया, यहाँ पर एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके साइंटिफिक लर्निंग के तहत यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा, जो कि ₹245 खर्च किए जाएंगे यहाँ पर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए और ग्लोबल रिसर्च सेंटर बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है तमिलनाडु वाले एरिया के बारे में। तो यहाँ पर अभी एक टाइगर रिजर्व के बारे में बात की जा रही है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा टाइगर की संख्या यहाँ पर डबल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम क्या है इसका, नाम है यहाँ पर मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, ओके, तमिलनाडु में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। चलिए अगर आप लोगों को पता है कि क्या केरला में कोई टाइगर रिजर्व है, अगर केरला में कोई टाइगर रिजर्व है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। केरला के बारे में आप लोग जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन बटोर सकते हैं उतनी बटोर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से आप लोगों से केरला के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा केरला के बारे में खासकर। और कल आप लोगों ने लाइक्स का टारगेट काफी अच्छे से आसानी से अचीव कर लिया, जो कि पहले नहीं अचीव किया था। आज आप लोगों का जो लाइक्स का टारगेट है यह 100 और बढ़ा दिए, यानी कि 4,200 ही है जो आप लोगों को लाइक करते ही आज करना है कि आज का दिन आप लोगों कैसा होना चाहिए और कैसे आप लोगों को अपने दिन को यूटिलाइज करना है, ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोगों को क्या क्या डिस्कस किया आज हम लोगों ने, ताकि आप लोगों के माइंड में लंबे समय तक ये चीजें अच्छे से सेट हो जाएं। तो देख लेते हैं, जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने था। आज हम लोगों ने एक दिन के बारे में देखा, कौन सा था ये दिन, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये दिन था इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पर है, फ्रैंकफर्ट यहाँ पर जर्मनी की विजिट पर है। हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, वो चीज रिपब्लिक की विजिट पर है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जापान में जो जेबी है उसका खतरनाक जो कोहर है, जो यहाँ पर कहर जो पड़ा हुआ है वो जाना। नॉर्थ कोरिया ने खुश कर दिया यूएसए को, तो देखते हैं कब तक इसको कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर है, बात की जा रही है कोई परमिट की जरूरत नहीं है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये वीडियो भी आप लोग जाकर देखते हैं। काफी शानदार तरीके से आंसर दिया आप लोगों ने, इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए, ये आंसर आप ही अगर इस तरीके से देंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है एक्स्ट्रा भी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिक्रिमिनलाइज कर दिया है होमोसेक्सुअलिटी को, इसके बारे में जाना हम लोगों ने। यहां पर बात की जा रही है सिटीज के बारे में, जो मोबिलाइज सिटीज के बारे में बात की जा रही है, तो इंडिया फ्रांस मिलकर काम करने वाले हैं सिटीज का एनवायरमेंट अच्छा करने के लिए। गगनयान की बात की गई यहां पर, फ्रांस मिलकर हमारे साथ काम करेगा। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की पोस्ट को भरने के लिए यहां पर एक पैनल का गठन किया गया बिमल जालन जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला उड़ीसा असेंबली ने पास किया यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए यहां पर रिजोल्यूशन, ठीक है। तो याद रखते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जरूर बताइएगा। इसी के साथ में आप लोग यहां पर कोम कासा एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा यहां पर फ्लड जो इफेक्टेड जो एरिया है वहां पर सहायता प्रोवाइड कराई गई यहां पर, ये हर्षवर्धन जी के द्वारा मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के जास में, जिसका नाम है IVF।
तो याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना है यहाँ पर एक प्लेयर के बारे में जिनका नाम है गोविंद, गोविंद लक्ष्य, नाम भी देखिए लक्ष्य है, ठीक है ना, लक्ष्य मनन। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था अपने ट्रैक को छोड़ने की वजह से, ये भी कुछ बातें हैं। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे वन लाइनर देखा और ये आप लोगों का था जो कि आप लोगों को रिविजन करना है। सारे लेक्चर के लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक किया कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हैं और शेयर करना ना भूलिए व्हाट्सएप फेसबुक और जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं। इसके अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।